तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं पहले, ठीक है? तो 11 में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ स्क्वायर फील्ड डायगनली, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 13 वी आर डूइंग, ठीक है? तो इन क्वेश्चन नंबर 13 देर इज अ स्क्वायर फील्ड, ओके? सपोज दिस इज अ स्क्वायर फील्ड, ओके? एंड व्हाट इज गिवन? अ मैन वॉकिंग एट द रेट इतना क्रॉसेज अ स्क्वायर फील्ड डायगनली, तो वो डायगनली क्रॉस कर रहा है इस तरीके से. सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सो ही इज कवरिंग डिस्टेंस ए टू बी, ओके? डायगनली ही इज क्रॉसिंग इट. एंड द स्पीड इज गिवन टू यू, ए टू बी जाने में उसकी जो स्पीड है, ठीक है, ए टू बी कवर करने में स्पीड इज नथिंग बट 3 किलोमीटर पर आवर. इट इज 3 किलोमीटर पर आवर. एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन टू यू, टाइम इज 1 मिनट, देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. अरे टाइम इज 1 मिनट, सो टाइम इज ऑल्सो गिवन, स्पीड इज गिवन, यू कैन कैलकुलेट ए बी डिस्टेंस. और डायगनल का फॉर्मूला तो है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट हाफ डी स्क्वायर, हाफ इंटू स्क्वायर ऑफ डायगनल. तो ये भी हमारे पास है. तो हिमकेश सोनी हैज सेंड ऑल द आंसर्स, वेरी गुड. चलो हिमकेश ने सारे आंसर्स दे दिए हैं, ओके, लेट्स चेक, ठीक है? फटाफट से देख लेते हैं इन 5 क्वेश्चंस को, ओके? जो लोग अभी थोड़ा सा वीक हैं वो एक बार अच्छे से देखेगा. तो हमें इस ए बी को फाइंड करना है. दिस ए बी इज नथिंग बट द डायगनल फॉर दिस स्क्वायर. ए बी फाइंड करने के लिए हमें स्पीड और टाइम दिया, तो हमें डिस्टेंस निकालना है. सो डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी, एज यू ऑल नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है? सो डिस्टेंस ए बी विल बी नथिंग बट स्पीड इंटू टाइम. सो स्पीड इज हाउ मच? 3 किलोमीटर, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इंटू मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मीटर में आए. आंसर इज गिवन इन मीटर. तो इसको करने के लिए 5/18 छोटी यूनिट से, छोटी यूनिट में चेंज करना है मीटर पर सेकेंड. सो 5/18 से मल्टीप्लाई इंटू टाइम. टाइम 1 मिनट है, तो उसको मैं 60 सेकेंड्स लिख सकता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं यूनिट्स साइड में लिखूँ, सो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, यूनिट ऐसा है, तो यूनिट को कैंसिल करूँगा तो मीटर में आएगा. डिस्टेंस विल कम इन मीटर, ठीक है? सो दिस विल गोइंग टू बी 6 3 18, 6 10 एंड 3 3 कैंसिल, तो कितनी आ गई डिस्टेंस? 15 मीटर, ओके? बस नाउ वट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द एरिया. एरिया इज नथिंग बट हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल. सो देयर फोर एरिया, ओके, विल बी, ओके, डायगनल सेम होता है, ठीक है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल का मतलब है हाफ इंटू डी स्क्वायर. सो दैट विल बी हाफ इंटू डी, कितना आया? 50 इंटू 50, ओके? सो दिस विल गोइंग टू बी 225 टाइम्स, 25 फाइव 125, सो 1250 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर.